जय हिंद प्यारे बच्चों, दिनांक 11/4/20 सेकेंड असाइनमेंट। आज का विषय है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कई तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए हम एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। इस प्रकार से वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? जब वर्णों के समूह को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी अलग वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में भी दो तरह के अक्षर होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में, अर्थात जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, जिसमें से 25 कै से लेकर मे तक प्रत्येक वर्ग में, क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, प्वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्णों की संख्या होती है। इस प्रकार से लेकर कै से लेकर मे तक 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या मानी गई है। 4 अंतस्थ व्यंजन यह रे ले वे, 4 उष्म व्यंजन शय शलगम, शय षटकोण, सह सड़क है हल, शय शय सह है, ये 4 उष्म व्यंजन माने गए हैं। उष्म व्यंजन जिनके उच्चारण में गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, तो उसे उष्म व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार से 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन की संख्या मानी गई है, जो कि कुल मिलाकर व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। ये हमारा आज का विषय रहा, वर्ण, वर्णमाला और उसके भेद। धन्यवाद बच्चों।